लखनऊ होंगे 24/7 और मैं आपके साथ रेणु चौहान। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम बिहार के वार्ड नंबर 85 में और हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी एवं वाइस प्रेसिडेंट पंकज गुप्ता जी। इनसे हम बात करेंगे क्षेत्र की समस्या को लेकर, दिल्ली को लेकर एंड राजनीति को लेकर। सर, आपका हुंकार 24/7 बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। सर, आपने राजनीति कब शुरू की? मैं पहले छात्र राजनीति में था। पहले मैं अपने भगत सिंह से स्टूडेंट यूनियन का चुनाव जीता। उसके बाद अपना स्पोर्ट्स मैन था। पहले मेरे फिटनेस सेंटर चलते हैं उस, लेकिन फिर अन्ना मूवमेंट स्टार्ट हुआ करप्शन के ख़िलाफ़, तो मेरे लॉ के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो उस टाइम हमने भी इस आंदोलन में शामिल हुए। उसी दिन से हमारा राजनीतिक करियर, फिर जो आंदोलन था, आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी बनी, उसी पार्टी में फिर हम शामिल हुए लगातार जब से। सर, आप दिल्ली वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और आप दिल्ली में संगठन को मजबूती देने के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं? दिल्ली में हमारा संगठन एक तो बहुत मजबूत है, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो आंदोलन से निकले हुए हैं और पार्टी की तरह वो पैसे वाले पैसे में नहीं आते, ना दारू पे आते हैं। सब एक देश में बदलाव करने के लिए, व्यवस्था बदलने के लिए आए हुए हैं और हमारा जो संगठन को मजबूत करने के लिए वो चल रहा है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, हर बूथ में हम एक अपना अध्यक्ष बना रहे हैं जो अपने नीचे 10 लोगों को जोड़ेगा। इस तरह हमारा पूरा संगठन पर काम चल रहा है। सर, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं बनाए, तो आपकी आम आदमी पार्टी की तरफ से महिलाओं के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? पहले मैं आपको बता दूं, दिल्ली में, पूरे देश में अगर किसी की सरकार अगर महिलाओं के लिए कुछ काम कर रही है तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप स्वाति मालीवाल जी हैं, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, आप देखते रहते हैं। अभी उन्होंने 19 नाबालिग बच्चियों को छुटवाया और जो रेप के लिए उन्होंने फांसी के लिए कानून के लिए भी फाइट करी, हमने इसके लिए कैंपेन चलाया। तो सबसे ज़्यादा महिला सुरक्षा के लिए हमने बस में गार्ड बिठाए, सिविल डिफेंस के गार्ड हैं, तो महिला सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा काम कर रही है वो दिल्ली सरकार ही कर रही है। सर, अभी कुछ दिनों पहले केजरीवाल जी ने जनसभा बुलाई थी पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर, क्या उनकी ये मांग जायज़ है? क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? ये तो अब दिल्ली की जनता से हमने राय ली है। 10 लाख फॉर्म हमें समर्थन में मिले हैं और हम प्रधानमंत्री जी को, हमारे नेता हैं गोपाल राय जी अध्यक्ष, वो देने जा रहे हैं। पूरी दिल्ली यही चाहती है कि हाँ पूर्ण राज मिला जाए, क्योंकि हम कुछ काम करते हैं, मोदी जी के जो LG साहब हैं वो उसको रोक लगा देते हैं। अब मोहल्ला क्लिनिक बनने से किसको नुकसान होगा आप बताओ, उस पर रोक लगा दी। कैमरे लगेंगे तो महिलाएं सुरक्षित होंगी, चोरियां नहीं होगी, उस पर रोक लगा दी। हम कोई काम फंड पास करते हैं CM साहब, LG उसे पास नहीं होने देते। जब तक पूर्ण राज नहीं होएगा, जब तक एक CM अच्छी तरह काम ही नहीं कर सकता, इसलिए पूर्ण राज होना बहुत जरूरी है। पंकज जी, आपने जैसे बोला कि दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा होना बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन दिल्ली में जितनी भी समस्या है क्या उनका हल पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना है? बिल्कुल, ज़्यादातर 90% पूर्ण राज होना ही चाहिए। DDA हमारे अंडर नहीं है, कब्जे DDA लैंड में हो रहे हैं, तो उस पर रोकेगा कौन? जब हमारी कोई सुनेगा ही नहीं, हम पे पावर ही नहीं है, तो फिर हम काम कैसे कर पाएंगे? सर, केजरीवाल जी एक तरफ ये कहती आई है कि केंद्र में बैठी सरकार और LG उनके कामों में जो है रुकावट डाल दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब तो उनको पावर दे दी है, तो अब क्या वो अपने काम में बेहतर खड़े उतर पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो पावर दी है उसके बाद ही तो CCTV कैमरे उन्होंने तुरंत ही पास कर दी है, मोहल्ला क्लिनिक की पास हो गई फाइल, लेकिन उसके बावजूद भी LG साहब अड़ंगा किसी ना किसी तरह बहाने बना के अभी भी अड़ंगा मार रहे हैं, अभी भी काम नहीं होने दे रहे, वो सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं सुन रहे। सर, 3.5 सालों में यहाँ के जो विधायक जी दिनेश मोनिया जी, उन्होंने अब तक क्या क्या कार्य कराए और उनके कामों से अब कितना प्रभावित हैं? हमारे जितने भी विधायक हैं दिल्ली में सभी अच्छा काम कर रहे हैं और दिनेश मोनिया जी ने भी अच्छा ही काम करा है। मोहल्ला क्लिनिक है यहाँ पे, जो डी ब्लॉक पिछले 20 साल से वन विभाग में घोषित कर रखा है उसको हमने पास करके बनवाया। संगम बिहार में सोनिया बिहार का पानी लाए जो मुफ्त मिल रहा है लोगों को, बहुत सारे ऐसे काम है जो अभी भी चल रहे हैं और हमारी पार्टी अच्छा काम कर रही है। सर, बात करें यहाँ के निगम पार्षद दीपक जैन जी की, तो उनके कामों से आप कितना प्रभावित हैं? आपका मैं कल इंटरव्यू देख रहा था, शायद आप दीपक जैन जी का ले रहा था, आपने उनसे खुद सवाल पूछा था कि आपके वार्ड में नाले और गंदी भरी पड़ी हैं, जब आप ही संतुष्ट नहीं है तो हम कहाँ से संतुष्ट हो जाएंगे? सर, संगम बिहार में सबसे बड़ी समस्या जो जल भराव की बनी हुई है, 2 आपकी पार्टी के निगम पार्षद हैं BJP के हैं और विधायक जी भी जो हैं वो भी आप ही की पार्टी के हैं, तो क्या ये चारों तीनों जो भी हैं
अपने काम करने में असमर्थ है। एक्चुअली दिल्ली एम्स, जो दिल्ली में एमसीडी की सरकार है वो भाजपा की है, मेयर उनका है, और हमारे पार्टी जितना कर सकती है उसमें करते हैं, लेकिन जो भाजपा की जो एमसीडी में सरकार बैठी है, मेयर है, वो हमको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, हमारे पार्षदों की सुनते नहीं हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। ये जिम्मेवारी एमसीडी की बनती है, जिसकी एमसीडी में सरकार है दिल्ली में, और ये भाजपा की जिम्मेवारी बनती है कि संगम बिहार में जो नालों का और सफाई का काम है वो मेयर साहब और दिल्ली के एमसीडी करवाए, ये बीजेपी का काम है, लेकिन वो उसको राजनीति कर रहे हैं इसमें। सर, सही राम पहलवान को के ऊपर जो मारपीट का एक केस है जिनको उसमें दोषी ठहराए गए हैं, तो क्या वाकई में वो दोषी हैं? इसमें नई बात क्या है, दिल्ली विधायकों के ऊपर झूठे केस लगाने, हमारे विधायक हैं यहाँ बगल के प्रकाश जारवाल, उन पर झूठा केस लगा के दो बार उनको जेल भेज दिया, और लेकिन बाद में वो कोर्ट में अभी चल रहा है मामला। दिल्ली में दिल्ली पुलिस एलजी के लिए काम कर रही है, मोदी जी के लिए काम कर रही है, हमारे विधायकों को छोटी छोटी बात में झूठे केस बना के उनको जेल भेजा जा रहा है, उनको परेशान करा जा रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये सब चलता रहेगा। सर, संगम बिहार में सीवर का काम चलता कम है, बंद ज़्यादा होता है, आगे ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली यहाँ नेता बहुत सारे हैं, यहाँ जनता नहीं है, नेता बहुत हैं, भाजपा के जितने भी यहाँ नेता हैं, यहाँ हमदर्द पब्लिक स्कूल है, उन्होंने कुछ दिन पहले स्टे ले आए थे कि स्कूल चल रहा है तो हम काम नहीं होने देंगे, उस वजह से रोक हो गया, फिर बरसात आ गई, बरसात में काम नहीं चल सकता था, फिर जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो कुछ ना कुछ अड़चने डाल के इसमें स्टे लगवाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कितने भी परेशानी हो जाए सीएम साहब ने संगम बिहार के लिए और देवली और बतरा के लिए 90 करोड़ रुपये सीवर के लिए पास करें, वो कितना भी परेशान कर लें भाजपा वाले, लेकिन ये काम चाहे थोड़ा लेट हो जाए लेकिन एक काम होएगा। सर, संगम में हमें पीने के पानी की समस्या, बल्कि दिनेश मोनिया जी जो हैं वो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं, फिर भी क्यों? संगम बिहार में आज से पानी की समस्या नहीं है, पिछले अब 20 सालों से है, लेकिन अब संगम बिहार में काफ़ी पानी पहुंच चुका है, सोनिया बिहार का पानी पहले नहीं था, हमारी सरकार आई जब भी सोनिया बिहार का पानी आया है, आप पता कर लें, इससे पहले बहुत बुरा हाल था, लेकिन अब धीरे धीरे है कि समस्या हल हो रही है, और एक दो साल में इसको पूरा हम अच्छी तरह हल कर देंगे। सर, दिल्ली सरकार ने संगम बिहार के विकास कार्यों के लिए कितना फंड दिया है और उस फंड में क्या क्या कार्य किए जाएंगे? मैं समझा नहीं, एक बार आपने क्या बोला? दिल्ली सरकार ने संगम बिहार के विकास कार्यों के लिए कितना फंड दिया है और उस फंड में क्या क्या विकास कार्य कराए जाएंगे? पहले तो जो विधायक फंड होता था 5 करोड़ रुपये, उसको बढ़ा के 10 करोड़ रुपये कर दिया है, जो केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम करा। दूसरा, संगम बिहार के लिए 90 करोड़ रुपये पास करें अलग से, और कुछ दिनों में जो कच्ची कॉलोनियों के लिए जो फंड पास हो रहा है वो भी इसमें लगेगा, तो मुझे लगता है 2 साल में संगम बिहार बिल्कुल आप बदला हुआ नज़र आएगा और लोग भूल जाएंगे कि संगम बिहार में कोई परेशानी थी। इसमें सीवर है, रोड नाले हैं, मोहल्ला क्लिनिक है और एक स्कूल का भी है, इसलिए सारे विकास कार्य इसमें होंगे। सर, अभी कुछ टाइम पहले ये सुना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी के साथ महागठबंधन बनाने वाली है, तो क्या ये सच है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, हमारे जो पार्टी के लीडर हैं संजय सिंह जी, उन्होंने बता दिया है कि आम आदमी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी और पूरे देश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और हमारे यहाँ से दक्षिणी दिल्ली से जो हमारे प्रभारी हैं राघव चड्ढा जी, वो इसकी तैयारी भी कर रहे हैं, एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लंदन से अपनी जॉब छोड़ के सिर्फ देश बदलने के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ के लिए वो अभी यहाँ पे आके तैयारी कर रहे हैं। सर, अभी फिलहाल में जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जी बने हैं, तो क्या उनके प्रधानमंत्री बनने से भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधरेंगे या और भी बिगड़ेंगे? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते कभी सुधरते हैं कभी बिगड़ते हैं, लेकिन इस बार जो इमरान खान जी बने हैं मुझे नहीं लगता कि कुछ रिश्ते उनके सुधरेंगे, क्योंकि उनकी बयानबाजी है बहुत गलत रहती है, और जो हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनका कुछ पता ही नहीं चलता, पिछले 20 साल में जितने सैनिक नहीं मरे ना कश्मीर में, उतने 4 साल में मर गए हैं, आप पूरी जांच कराएं, आरटीआई में देखें कितने सैनिक मर गए हैं। ये एक तरफ बात करते हैं हम पाकिस्तान की, जो जाएगा वो, अब सिद्धू जी पाकिस्तान गए उनको ये देशद्रोही बता रहे हैं भाजपा वाले, और जब प्रधानमंत्री बिना बताए चुपचाप वहाँ बिरयानी खाने चले जाते हैं तो वो क्या देशभक्त हैं? तो जब तक ये भाजपा की सरकार है ये राजनीति करते हैं देश के नाम पे, जाति के नाम पे, जब तक हमारे रिश्ते नहीं सुधर सकते। जब कोई अगली बार कोई अच्छा प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा और रिश्ते सुधारने वाला, देश की बात करने वाला प्रधानमंत्री आएगा, जब भी कुछ हो सकता है। सर, कुछ टाइम पहले कांग्रेस पार्टी के एक नेता शशि थरूर ने ये कहा था कि अगर 2019 में बीजेपी सरकार आती है
तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाएगा, तो क्या ये सही है? मैं उनकी बात का समर्थन तो नहीं करता। पाकिस्तान बच जाएगा, पाकिस्तान तो हिंदुस्तान की तुलना हो ही नहीं सकती। वहाँ तो आतंकवाद है, गरीबी है, हिंदुस्तान तो उनसे लाख गुना बहुत अच्छा है। लेकिन जो यहाँ का माहौल चल रहा है ना, वो बहुत ही ख़राब है। तो जो पिछले 4 सालों में मोदी जी ने यहाँ कर दिया, कहीं जाति के नाम पर दंगे हो रहे हैं, कहीं धर्म के नाम पर हो रहे हैं, मस्जिद के नाम पर हो रहे हैं, आप दलितों आप तो देख ही रहे हैं, गाय के नाम पर इतनी हत्याएँ हो गई। तो पिछले जो 50-70 सालों में जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में नहीं कर पाया ना, हिंदू मुसलमानों को बांटने का, वो मोदी जी ने 4 साल में कर दिया। देश में पूरा ही माहौल ख़राब कर रखा है इन्होंने। सिर्फ इन्हें मतलब अपनी सत्ता से हिंदू मुसलमान पे झगड़े करा दो, गाय के नाम पे मार दो, विकास की बात ही नहीं करते। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राम मंदिर इन्होंने बोला था कि हम जीतते ही राम मंदिर बनाएंगे, अब वो राम मंदिर कहाँ है? आप भाजपा के किसी नेता से मिले तो उनसे पूछना। इनका काम केवल सत्ता हासिल करनी है, चाहे कितने लोग मरे तो मरे। सर, अगर 2019 में आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित होती है तो 23 के लिए क्या नए विकास कार्य किए जाएंगे? वैसे अभी सर्वे आया है कि 4 सीटों में हम जीत रहे हैं और 3 पे टफ फाइट है, और 3 सीट भी जैसे जैसे माहौल बनेगा, और हमारी 7 सीटें दिल्ली से तो आना तय है, और 2023 में दिल्ली को पहले पूर्ण राज का दर्जा मिल जाए। और दिल्ली में तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बसें चल रही हैं, स्कूल कॉलेज का आपको पता ही है कितने अच्छे स्कूल हो रहे हैं। वर्ल्ड में आपको पता, मनीष जी को नंबर 1 अवार्ड मिला है बेस्ट शिक्षा मंत्री का। तो दिल्ली को स्वर्ग बनाना है, घर घर पानी पहुंचाना, जो बिजली मुफ्त, बिजली तो आधी आपको पता ही हमने कर रखी है। तो दिल्ली के लिए सबसे अच्छा है कि दिल्ली के लिए अच्छा काम करेंगे। सर, आपकी आगे की रणनीति क्या है? किस बारे में? सर, 2019 लोकसभा चुनावों को लेकर बताया, हमारा वो चल रहा है संगठन का, मेरा बूथ सबसे मजबूत। और दूसरा, हम लोगों को ये बता रहे हैं कि विकास के नाम पे वोट दें। जो आपके घर पे आ रहे हैं वोट मांगने, वो हिंदू मुसलमान और जाति की बात करते हैं, तो उसे चप्पल लेके मार के बाहर भगा दें। पहले उससे पूछो कि तुम्हारे बेटे बच्चों के लिए क्या स्कूल की व्यवस्था करेगा, क्या एजुकेशन की बात करेगा, क्या हेल्थ की बात करेगा, क्या विकास की जो बात करे उसको वोट दें। जो हिंदू मुसलमान की बात करें, जाति की बात करें, उसको चप्पलों से मार के बाहर भगा दे, वो किसी भी पार्टी का हो। जैसा कि आपने देखा कि हमने पंकज गुप्ता जी से क्षेत्र की समस्याओं को लेकर और राजनीति को लेकर बात की, उनका यही कहना है कि 2019 में आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी और वो देश के लिए नए विकास कार्य बनाए जाएंगे। फिलहाल आप बने रहिए हमको 24/7 के साथ। धन्यवाद।